बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी है लेमन चिकन विद गार्लिक राइस। चिकन ली है 1/2 kg, जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून, क्रीम है 2 टेबल स्पून, योगर्ट लिया है 3 टेबल स्पून, लेमन जूस है 1/2 कप। साथ ही इसमें जाएंगे सारे इंग्रेडिएंट्स: सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, चिली पेस्ट 1.5 टीस्पून, लेमन जीस्ट लिए है हमने 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, और लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे थाइम्स और ओरिगानो के लीव क्रश करके 1/2 टीस्पून। सारे मसालों को इसके अंदर ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, योगर्ट, क्रीम, और लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस 1/2 कप। ये लेमन जूस है, ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी और फटाफट बनने वाली रेसिपी है ये, बहुत कम टाइम में ये प्रिपेयर हो जाएगी। 30 मिनट्स के लिए चिकन को मैरिनेट कर देंगे। 30 मिनट्स हो गए हैं, अब जो है हम इसको कोयले का दम लगा देंगे और इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। कोयले के दम से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 2-3 मिनट्स के लिए इसको दम लगाएंगे। ये देखिए, बड़ी अच्छी सी स्मोक इसके अंदर से निकली है, और ये अब हम इसको स्क्यूअर्स पे ऐड कर देंगे। चिकन को स्क्यूअर्स ले लेंगे और 3-4 पीस जो हैं चिकन के हम स्क्यूअर्स के अंदर लगा देंगे और फिर इसको पैन फ्राई कर लेंगे। क्वांटिटी चिकन की डिपेंड करती है कि आप कितनी स्क्यूअर्स के अंदर लगा रहे हैं, ये आपके पैन के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका पैन साइज़ कितना है, उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली इसको ऐड कर लीजिएगा। मैं 4 बोटियाँ ही लगा रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं और कम भी लगा सकते हैं। अब गार्लिक राइस प्रिपेयर कर लेंगे। 2 कप राइस लिए हैं जो कि पहले से बॉईल करके रख लिए थे हमने। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ग्रीन अनियन और 2 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक। सबसे पहले ऑयल को हीट कर लेंगे और उसके अंदर ऐड कर देंगे चॉप्ड गार्लिक। उसको स्टिर फ्राई करेंगे, बस इतना फ्राई करना है कि उसकी खुशबू आने लगे, और फिर इसके अंदर ग्रीन अनियन ऐड कर देंगे। बहुत ही हल्का सा इसको सौते करना है ताकि जो ग्रीन अनियन का कलर है वो ख़राब ना हो, अच्छा सा फ्रेश ही रहे उसका कलर। बस अब इसके अंदर उबले हुए चावल डाल देंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे ताकि राइस का जो फ्लेवर है वो अच्छा है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, मैंने भी किया है, ताकि जो मिक्सिंग है वो अच्छे से हो जाए। इसको आप दम पे रख देंगे 5-10 मिनट्स के लिए, और ये मज़ेदार से गार्लिक राइस रेडी हो गए हैं। अब चिकन को पैन फ्राई कर लेंगे। पैन को ऑयल से ग्रीस करेंगे और उसके अंदर स्क्यूअर्स रख देंगे। कवर कर देंगे ताकि अच्छे से जो है वो अंदर से चिकन हमारी कुक हो जाए। लाइट ब्राउन कलर आने तक इसको एक साइड से पहले पका लें और फिर उसको पलट दें। ये स्क्यूअर्स रेडी हो गए हैं। अब लेमन चिकन विद गार्लिक राइस रेडी हो चुके हैं, इसको डिश आउट कर लेंगे। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही मज़ेदार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।